आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, कर्नाटक के गृह मंत्री श्री अर्घा जानेन्द्र जी, श्री वीसी पाटिल जी, आज जिनके मध्य क्षेत्र में कार्यक्रम है, ऐसे हमारे सांसद और कर्नाटक के नेता श्री जीएम सिद्धेश्वर जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री भाई मृगेश निरानी जी, श्री बरेती बसवराज जी, श्री आनंद सिंह जी, दावणगिरी के विधायक श्री रविंद्रनाथ जी, मंच पर उपस्थित सारे विधायक और विधान परिषद के सदस्यगण और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं यहां पर 3 कार्यक्रमों के उद्घाटन के लिए आया हूं। जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इस संकुल में 3 योजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। जीएम सेंट्रल लाइब्रेरी, गांधी भवन दावणगिरी और दावणगिरी जिला पुलिस की 2 परियोजनाएं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटक राज्य पुलिस पब्लिक स्कूल और छात्रालय भवन। मित्रों, अलग अलग ये 3 योजनाओं में 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है और मुझे आनंद है कि आज ये 3 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला है। आज जब मैं कर्नाटक में आया हूं, तब हम सबको मालूम है कि देश और दुनिया में कई सालों से, कई सदियों से जैसी महामारी का हमने सामना नहीं किया है, ऐसी महामारी का सामना विगत 1.5-2 साल से पूरी दुनिया, भारत और कर्नाटक भी कर रहा है। ये कोरोना का महामारी ये समग्र मानव जात के लिए एक चैलेंज बनकर खड़ा था। और जहां तक भारत का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा है और मैं कह सकता हूं दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से लड़ने का काम ये भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और इसी के कारण आज हम काफी हद तक इससे बाहर निकल चुके। और नरेंद्र मोदी जी ने जब से भी ये कोरोना महामारी शुरू हुई, तब से दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सिर्फ सरकारें लड़ रही थी, जब भारत में सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके साथ साथ 130 करोड़ की जनता भी प्रधानमंत्री से कंधा मिलाकर लड़ी। इसका ही परिणाम है कि आज हम यहां पर ढेर सारे कोरोना वॉरियर्स, ढेर सारे सुरक्षा कर्मी, ढेर सारे सफाई कर्मचारी, ये सब ने लड़ाई के अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर समाज को इस कोरोना के सामने लड़ने की ताकत दी। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, कई लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस महामारी के सामने लड़ते लड़ते देश भर के कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान हम नहीं बचा पाए, मगर तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको हम बचाने का गौरव भी कर सकते हैं, संतोष भी कर सकते हैं। मित्रों, 130 करोड़ के देश के अंदर इस महामारी के खिलाफ लड़ना न केवल भारत, दुनिया भर के इस क्षेत्र के विशेषज्ञ देखते थे एक कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, परंतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जब तक बंद रहा बंद का पालन किया, उसके बाद
विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव अगर दुनिया में कहीं चला तो हमारे भारत के अंदर चला, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला देश अगर कोई है तो हमारा भारत है। और वैक्सीनेशन ड्राइव को इस सुचारू रूप से चलाया गया। अभी दो दिन पहले ही 1,36,00,000 से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में देने का रिकॉर्ड, भारत का ही रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। कर्नाटक की जहां तक बात करें तो पहले येदुरप्पा जी के नेतृत्व में और अब बसवराज जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। लगभग 5,20,00,000 लोगों को डोज लगाने का काम समाप्त हो गया। 4,00,00,000 लोगों को पहला डोज लगा है और 1,16,00,000 लोगों को दूसरा डोज भी लगा है, और मुझे विश्वास है सितंबर एंड तक लगभग लगभग 90% से ज्यादा लोगों को डोज लगाने का काम बसवराज बोम्बई जी के नेतृत्व में समाप्त हो गया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक सरकार लोगों को साथ में रखकर चले, लोगों को साथ में रखकर काम करे तो क्या कर सकती है, इसका एक उदाहरण। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो हमेशा गरीबों की चिंता करते हैं, पिछड़ों की चिंता करते हैं, दलितों की और आदिवासियों की चिंता करते हैं, कोरोना महामारी का सबसे बड़ा अगर किसी पर बोझ पड़ा है तो गरीब पर पड़ा है। रोज का रोज कमाकर खाने वाले लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई। पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी मई से लेकर नवंबर तक, दीपावली तक, हर पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी मई से लेकर नवंबर तक, दीपावली तक, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आप कल्पना कर सकते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 महीना और पहले 5 महीना 10 महीने तक 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही बताता है कि आप महामारी को रोकने के लिए जितना मानव से हो पड़ता है, जितना सरकारों से हो पड़ता है वो किया, मगर महामारी की असर को रोकने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके घर में कोई भूखा न सो जाए, कोई बहन, कोई माँ भूखी न सो जाए, कोई बच्चा भूखा न सो जाए, इसकी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और अगर कोरोना आगे भी आता है तो इसकी तैयारी के रूप में 1,000,000,000,000 के पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर हर राज्य, हर शहर, हर जिला, हर तहसील कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो, इस प्रकार की व्यवस्था की शुरुआत करी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन के संकट का सामना करना पड़ा, देश भर में 1,000,000,000 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी हो गई, लगना शुरू हो गए, काम करना भी शुरू। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि आगे पर कोई भी महामारी आती है तो ऑक्सीजन के क्षेत्र में भारत बहुत कम समय में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को ऑक्सीजन के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की तैयारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अभी अभी येदुरप्पा जी ने स्वयं निर्णय किया कि अब कोई नए व्यक्ति को, नए नेतृत्व को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि बसवराज बोम्बई जी को नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए, और बोम्बई जी आज मुख्यमंत्री हैं। मुझे भरोसा है येदुरप्पा जी ने अपने दोनों काल के अंदर कर्नाटक के विकास के लिए, विशेषकर गांव और किसान के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक के अंदर विकास का युग अगर शुरू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में, येदुरप्पा जी के शासन में हुआ है। और बसवराज बोम्बई जी का जिस प्रकार का अनुभव है सरकार चलाने का और सार्वजनिक जीवन का, और लंबे अरसे से वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे,
मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार फिर से एक बार पूरे मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर कर्नाटक में हम फिर से चुनकर आएंगे। मुंबई जी ने छोटी छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण शुरुआतें की, कहीं पर पुलिस का सलामी नहीं लेना, ढेर सारी वीवीआईपी व्यवस्थाओं को उन्होंने सतत छोड़ा है, पारदर्शिता के लिए भी ढेर सारे कदम उन्होंने उठाए हैं, बहुत अल्प समय हुआ है, मगर दिल्ली के अंदर जो लोग कर्नाटक सरकार को बारीकी से देख रहे हैं वो सभी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बसवराज जी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपने आप को मजबूत कर लेगी। मित्रों, ये कोरोना काल में जो लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लड़ रहे हैं, इस सब में आपका सहयोग चाहिए। कुछ जगह पे, कुछ जिलों में, मैं आज मुंबई जी से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में, कुछ जगहों पे, कुछ जातियों में, कुछ वर्ग में वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस है। मेरा मानना है कि हम सबका दायित्व बनता है कि हमारी आस पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लिए बगैर न रह जाए, इस प्रकार का वातावरण का निर्मित करे। 100% वैक्सीनेशन ही कोरोना के सामने विजयी बनने का मंत्र है। और अब वैक्सीन की उपलब्धि भी भारत सरकार ने ठीक ठाक मात्रा में कराई है। जिन जिन जिलों में वैक्सीनेशन का आंकड़ा कम है, उस सभी जिलों को, सभी लोगों को और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब जनता के साथ जुड़िए, एक जागृति फैलाइए, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनको कृपया आप वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाइए और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए उनको हम सुसज्ज करें। मित्रों, आने वाले दिनों में, आज तो मैं हमारे साथी मंत्री प्रहलाद भाई के यहाँ शादी में आया हूँ, सिद्धेश्वर जी का निमंत्रण था तो यहाँ आ गया। अभी कोरोना के कारण बड़े कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में मैं कर्नाटक आऊँगा तब कर्नाटक के विकास और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए जरूर बात करेंगे। मैं फिर से एक बार श्री मुंबई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इनके नेतृत्व में कर्नाटक चहुमुखी विकास करे और देश के विकसित राज्यों में जो कर्नाटक ने स्थान बनाया है उसको और चार कदम आगे ले जाए। मैं शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।